स्त्री में कामवासना की तृप्ति नहीं होना, इसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, नागपुर, मुंबई, यह हमारे हॉस्पिटल्स है। हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, फ़ोन के ऊपर काउंसलिंग करते हैं और लोगों को काउंसलिंग करके सलाह देते रहते हैं। हमारे समाज में, हमारे कल्चर में, हमारे संस्कार ऐसा है कि स्त्री अपनी कामवासना की तृप्ति होने के बारे में बातचीत नहीं करती। काफ़ी सारी लेडीज ऐसी है कि उनको काम भावना आती है, काम उत्तेजना आती है, उसको इच्छा होती है, मगर पुरुष के साथ में संबंध आने के बाद में या अकेले भी वो कभी हस्तमैथुन करती है तब उसकी तृप्ति नहीं होती, समाधान नहीं होता, शांति नहीं होती। तो देखना पड़ेगा ऐसा होता क्यों है। एक तो ऐसा होता है कि भाई स्त्री को डर है कि भाई गर्भधारणा हो जाएगी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या उसको डर है कि नहीं योनि में कहीं जख्म हो जाएंगी या कहीं हानि हो जाएंगी, इसके वजह से वो उसको मज़ा नहीं आ रहा है, डर डर के वो संबंध कर रही है, या हो सकता है कि उसके संबंध पुरुष के साथ में अच्छे नहीं है, झगड़ा है, झंझट है, संघर्ष है, और इसकी वजह से ऐसा होता नहीं है, मतलब कामवासना की तृप्ति होती नहीं है। तो देखना पड़ता है कि भाई है क्या, हो सकता है कि यह कामवासना की तृप्ति उसके जीवन में कभी हुई नहीं है, यह पहला प्रकार, यानी कभी तृप्ति का अनुभव उसने लिया ही नहीं, समाधान का, शांति का अनुभव सेक्स के बाद में उसने कभी लिया ही नहीं। हो सकता है कि दूसरा कारण है, दूसरा प्रकार है कि भाई उसको शुरू में कुछ कामवासना की तृप्ति हुई और फिर बाद में कामवासना की तृप्ति होना या शांति होना या समाधान होना बंद हो गया। तो ये देखना पड़ता है कि भाई दवाई की वजह से ही है, कोई दवाई ले रही है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कोई शारीरिक बीमारी है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या कोई मानसिक बीमारी है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या कोई आपसी संबंध बराबर नहीं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो हमको देखना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि कम से कम 5 से 10% स्त्री में 35 साल के उम्र तक कभी कामवासना की तृप्ति होती नहीं, और फिर 35 साल के उम्र के बाद में उनको धीरे 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 कामवासना में तृप्ति होना और उसमें मजा आना शुरू हो जाता है। फिर ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि बाद में संकोच जो है, पति पत्नी के संबंध में जो संकोच रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, या फिर डर निकल जाता है, या फिर प्रेगनेंसी का डर निकल जाता है, ऐसे कुछ कारण है, या फिर पहला अनुभव धीरे धीरे अभी अनुभव आते रहता है और उसके वजह से फिर उसका समाधान शांति होना शुरू हो जाता है। पहले मालूम ही नहीं रहता कि समाधान क्या होता है, शांति क्या होती है, और फिर बाद में उसको जैसा जैसा अनुभव आते रहता है वैसे वैसे उसको मजा आती रहती है। तो ऐसे कुछ कारण है। इसका प्रॉब्लम यह है कि इसके वजह से मुझे समाधान नहीं होता, तृप्ति नहीं होती, उसके वजह से पति पत्नी में बहुत झगड़े चालू हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि पति पत्नी यदि बेड के ऊपर अच्छे नहीं है तो उनके लाइफ में अच्छे संबंध उनके रह सकते नहीं है, तो बेड में अच्छे संबंध होना बहुत जरूरी है। तो आपसी मतलब उसका इफेक्ट जो है, वो इम्पैक्ट जो है वो लाइफ के ऊपर आता है, फिर बच्चों के ऊपर उसका इम्पैक्ट गिरता है, समाधान शांति नहीं मिलती है, लाइफ में भी हर क्षेत्र में उसका मतलब चिड़चिड़ापन, झगड़ा शुरू होना, कोई बात के ऊपर गुस्सा करना, ये शुरू हो जाता है। तो इसका डायग्नोसिस होना, डॉक्टर के पास में जाके उसका प्रगटीकरण करना, उसकी बातचीत डॉक्टर के साथ में करना, सेक्स काउंसलर के पास में बातचीत करना और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। मगर लेडीज़ बोलती नहीं है, हमारे समाज में, हमारे संस्कार ऐसे, हमारे देश में लेडीज़ बातचीत नहीं करती है इसके बारे में, और भी वैसी घुट घुट घुटन सी उनको लगती है और वैसी सप्रेस हो जाती है। तो शेयर करो वीडियो काफ़ी लोगों को, ताकि लोग अपना जीवन पूरी तरह से जी सके, अपना लाइफ फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस रह सके, अपने लाइफ में मजा कर सके, और वो पॉसिबल है जब ये उसके बारे में बातचीत करेंगे अपने डॉक्टर के साथ में, काउंसलर के साथ में बात करेंगे। हमारे नंबर नीचे दिए हुए हैं, वहाँ हमको फ़ोन करो, कॉन्टैक्ट करो, काउंसलिंग ले लो, ताकि आपका जीवन अच्छी तरह से जी सकोगे, मजा जीवन में आ जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।